हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकेट ट्रैकिंग ब्लॉग। करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और भाई करते हैं आज का ब्लॉग यहां से स्टार्ट। तो जा रहे भाई अपनी गाड़ी लोड करने के लिए, ये रही चाबी, अब करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। तो पहले सबसे पहले ऑयल पानी देखते हैं अपनी गाड़ी में, फिर स्टार्ट करते और निकलते भाई गाड़ी अपनी लोड करने के लिए। तो कहाँ का माल है, कहाँ का लोड कर रहे हैं, सारा कुछ बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद। तो चलते हैं, आयल पानी देख लेते हैं पहले, उसके बाद निकलते हैं भाई। आयल तो पूरा है, देख सकते हो, ये रहा फुल लिखा वहां तक। अब पानी देख लेते हैं, पानी का डब्बा ये रहा यहाँ। अपनी गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, कलेज नहीं दब रहा है गाड़ी का, तो पाइप वाइप सारे खोल दिए हमने, ये वाले देख सकते हो, ये रहे यहाँ के चिकनी के पाइप खोले हैं, ये प्रेशर नहीं आ रहा इसमें, और ये छोटे वाली टंकी में प्रेशर नहीं भरा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है इस मशीन में कचरा आ गया है, तो इसी की वजह से होता है भाई, कुछ भी प्रेशर नहीं आ रहा है, ये देख सकते हो। ये देखो भाई, कुछ भी प्रेशर नहीं, उधर वाला दबाना उसमें आ रहा है, उधर दोनों टंकी में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो ये पाइप अभी हमने खोल लिए है पूरे, देख सकते हो, यार पानी पेंचिस ले आए ये। तो चलो करते ठीक, नहीं तो फिर ये वाला पीछे वाला हिस्सा खोलना पड़ेगा मशीन का, इसके अंदर कचरा आ जाता, तभी ऐसी करती है गाड़ी। प्रेशर ही नहीं भरा रहा छोटी वाली टंकी में, और अभी लेके आया हूँ पेट्रोल और ब्रश, साफ करेंगे, पूरा ओपन कर लिया है हमने, तो बताता हूँ आपको मैं। चलते हैं गाड़ी के पास। देखो भाई कितना कचरा धूल मट्टी आ रखी इसमें, ये पूरा खोल लिया है, और बाकी ये रहा, ये देखो कितना जंग आ गया है पूरा, अभी ये सब साफ करना पड़ेगा। देखो कितना कचरा है, दिखाना फूफा जी, ये देखो भाई इसमें भी कचरा अंदर, इस साइड में पूरा जंग, पानी निकला इसके अंदर, ये पानी गिरा हुआ है, देखो कितना कचरा फूफा जी के हाथ पे। तो करते भाई इसको साफ वाफ, फिर मिलते आपको। तो फाइनली दोस्तों अभी हो गया अपना मशीन का काम, बस अब वापसी कस रहे हैं, और कसने के बाद में देखते हैं भाई क्या होता है, स्टार्ट करके कसते इसको फटाफट, क्योंकि अपनी गाड़ी भरने के लिए भी जाना है यार, लेट हो रहे हैं। अभी यहाँ मिस्त्री कहाँ बुलाते हैं यार, इसीलिए कर लेते खुद ही काम। सारे पाइप तो कस लिए हैं, बस अब स्टार्ट करते हैं और प्रेशर भर के देखते हैं, प्रेशर भरा रहा कि भाई, और जो छोटी वाली टंकी उसमें आ रहा कि नहीं प्रेशर, वो देखते हैं।
तो एक पाइप हमने ढीला रखा है अभी, मतलब कसा ही नहीं है यहाँ का, एक पाइप कसा नहीं है अभी। ये वाला जो छोटी टंकी वाला है ये वाला भाई, तो इसी टंकी में प्रेशर नहीं जा रहा है और बाकी दो टंकी में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये वाली छोटी टंकी में प्रेशर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये वाला पाइप अभी खोल के रखा है। तो ये वाली लाइन में, इस वाली लाइन में आना चाहिए प्रेशर, बाद में लगाएंगे ये। तो पहले ये बड़ी वाली टंकी भराएगी, उसके बाद में ही इसमें प्रेशर आएगा। तो देखते हैं भाई क्या होता है, अभी तो करी है गाड़ी अभी स्टार्ट, प्रेशर भरा रहा कि नहीं अंदर भी देखना पड़ेगा भाई। अभी एक डंडी दो डंडी हुआ है। तो फाइनली दोस्तों हमारा काम सक्सेसफुल हुआ भाई, हमारी मेहनत रंग लाई, तो हो गया भाई अपना। देखो प्रेशर आना स्टार्ट हो चुका है इसमें, तो आपको सुनाई भी रहा होगा। ये भाई देखो इसके अंदर से प्रेशर आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, अब इसके अंदर से प्रेशर आएगा, ये वाला पाइप यहाँ लग जाएगा, फिर ये टंकी में प्रेशर जाएगा और क्लच अपना दबना चालू हो जाएगा वापसी। तो करते भाई इसको पहले बंद और फिर फिट करेंगे, उसके बाद में करते आप लोगों से बातें भाई। तो फाइनली दोस्तों हो चुकी है अपनी गाड़ी कंप्लीट और प्रेशर भरना भी छोटी टंकी में चालू हो गया है। तो अब पाने पेंचेस लेके आते भाई, वो भाई जो दुकान है आगे सामने उसी से मांग के लाया था मैं, क्योंकि मेरे पास 24-27 का पाना नहीं था इसीलिए भाई। तो वो वहाँ है आगे दुकान, तो ये पाने पेंचेस सारे देंगे उस भाई को, इन्हें फर्स्ट बार ही खोला है ये वाला सामान, जो इसकी छिकनी आती है पाइप, पहले कभी खोला नहीं हो, फिर भी भाई हिम्मत करके खोली की भाई। इसीलिए भाई कहता हूँ कि कोई भी काम हो भाई, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए काम करने में, ये ध्यान से करो अच्छे से, तो अपने को सभी काम आ ही जाएगा, काम कर ही लेंगे, क्योंकि भाई कोई भी अपने माँ के पेट से सीख के तो आता नहीं भाई, यहीं पे आके सीखता है। तो हम भी हिम्मत करके खोलते हैं और आपको भी हिम्मत देते हैं भाई, कि जो भी ट्रक ड्राइवर है तो भाई कभी हिम्मत आप लोग हारे नहीं, और काम सारा काम करे अच्छे देखभाल के करो भाई, जैसा खोला वैसा ही फिट करना होता है, तो जब खोलते हैं तभी देख लेना भाई वैसा की वैसा फिट करना चाहिए। तो अभी प्रेशर भी भरना चालू हो गया, तो गाड़ी ने छींक दिया है, देख सकते हो प्रेशर भी फुल हो गया, और क्लच पहले दब नहीं रहा था, ये क्लच जो पेडल है ये अब दब रहा है, ये अब गियर भी लगना चालू हो गए, देखो ये गियर लग रहे हैं, पहले गियर भी नहीं आ रहे थे, सारे गियर आ रहे हैं अभी। तो चलो पार्टी वाले को फोन करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले और पार्टी वाले दोनों को फोन कर लेते हैं। तो अपनी गाड़ी भाई भरने के लिए जा रहे थे, तो क्या हुआ भाई क्या नहीं, कैंसिल भी हो गए हो, उनको दूसरी गाड़ी कोई मिल गई होगी, तो पहले फोन लगा लेते उनको, फिर यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं अब। तो फाइनली दोस्तों अपना काम वाम करना भाई सारा हो गया, छिकनी मशीन खोली थी वही वाला भाई फिट कर लिया, और काम अपना सक्सेस भी हो गया था, और गाड़ी लोड करने जा रहे थे भाई हम, जो तलौदा है वहां से गाड़ी लोड करना था अपनी सूरत मंडी के लिए, तरबूज होता है वही वाला भाई, तरबूज लोड करना था, लेकिन क्या हुआ भाई अपनी गाड़ी लेट हो गई इसीलिए कैंसिल हो गया। तो माल वाले भाई को भी मैंने फोन किया था कि भाई अगर आपको गाड़ी मिल रही हो तो आप गाड़ी लगा लेना भाई, और नहीं तो फिर मैं काम वाम करवा के, या मैं खुद कर रहा हूँ काम, अगर हो जाएगी मुझसे तो गाड़ी में लेकर के आ जाऊंगा कहा था। तो उन्हें गाड़ी मिल गई थी तो उन्होंने गाड़ी लगा ली थी, तो सोचा हमने भाई कि अपनी गाड़ी वाश करवा लेते हैं यहाँ पे, तो गाड़ी वाश करवाने के लिए आ गए थे अपने ही गांव में, गाड़ी वाश करवा रहे भाई, तो गाड़ी भी काफी गंदी हो रखी थी अपनी, इसीलिए भाई गाड़ी वाश भी करवाना जरूरी है। और कोई बात नहीं यार, माल कैंसिल हो गया तो ऊपर वाले की मर्जी जो हो वो सही है। हाँ भाई बढ़िया बढ़िया भाई, चैन सिंह भाई, दादा क्या हाल चाल आपके? बस ठीक है, आज यार गाड़ी भरने के लिए जा रहे थे, गाड़ी की छिकनी की मशीन में प्रॉब्लम आ गई थी, तो प्रेशर नहीं भरा रहा था छोटी टंकी में, तो क्लच नहीं दब रहा था, तो उसी चक्कर में भाई मतलब उसको खोला, टाइम ही हो गया, फिर जिनका माल था उनको भी गाड़ी मिल गई थी दूसरी, तो इसीलिए फिर हमने सोचा गाड़ी धुलवा लेते भाई, तो धुलवा ली भाई गाड़ी, देख सकते हो आप। तो अपने धर्म सिंह भाई लगे हुए गाड़ी धोने में, ये रहे धर्म सिंह भाई, ठीक हो धर्म सिंह भाई? तो चलो ठीक है, धो फिर मिलते हैं ना। तो चलो भाई पूरी गाड़ी वाश करवा लेते हैं, उसके बाद में
आपको बताएंगे अपनी गाड़ी धोनी जगह जगह हो गई कैसी लग रही, कमेंट करके बताना भाई आप लोग।